की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लू मेडिक्स अब आपके शहर सिवान में। जी हाँ, अब सिवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयाँ 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान, संपर्क करें 9264470969 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े अमेजन कार्यालय में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधियों की गोली से एक रुपेश नाम के कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इस घटना के बाद सभी कर्मचारी डर के मारे दुबक गए हैं। वहीं अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए हैं। अपराधियों की गोली से ऑनलाइन कंपनी अमेजन के टीम लीडर रुपेश कुमार, जो सिवान जिला के निवासी हैं, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। वहीं इस घटना के बाद छपरा सदर DSP मुनेश्वर प्रसाद सिंह, मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर गजेंद्र प्रसाद, अपर थाना अध्यक्ष विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। गंभीर रूप से जख्मी रुपेश कुमार को आनंद फानंद में छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए उसे PMCH रेफर कर दिया गया। इस दौरान सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार अमन ने बताया कि युवक के घुटने में गोली लगी है, गोली पैर में फंसे होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं छपरा से, जहां बेकौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े अमेजन कार्यालय में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान सिवान के रहने वाले अमेजन के कर्मचारी जो टीम लीडर है रुपेश कुमार सिंह, उसे गोली मारकर घायल कर दिया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बेकौफ अपराधियों ने छपरा के अमेजन कार्यालय, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है अमेजन कार्यालय, उसमें घुसकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है और उसके टीम लीडर रुपेश कुमार सिंह, जो सिवान के रहने वाले हैं, उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तीन अपराध कर्मी को 9 बजे करीब तीन अपराध कर्मी है और कैश काउंटर से 12 लाख रुपए लूट कर चले गए। आपके गोली भी मारी गई, एक व्यक्ति एक PL को PL जो डीरो बोला जाता है उसमें गोली भी लगी थी, उसका नाम रुपेश था। कितने की संख्या में अपराधी थे? तीन की संख्या में, एक ही बाइक चलाया था। हेलमेट लगा, हेलमेट क्या छानबीन चल रही है, जल्दी।